स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। भरतपुर में 230 किलो नकली कलाकंद जब्त। होली का त्योहार करीब आते ही बाजारों में मिठाइयों की खपत बढ़ जाती है। ऐसे में खपत बढ़ते ही बाजारों में खोआ और मावा के तस्कर भी सक्रिय हो जाते हैं। इसी के चलते सोमवार को भरतपुर में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई। विभाग के अधिकारी जगदीश ने बताया कि ये कलाकंद धौलपुर या आगरा से भरतपुर में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। इसकी भनक खाद्य विभाग की टीम को पहले ही लग गई थी, जिसके बाद वहाँ खाद्य विभाग की टीम पहुंची, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले मावा तस्कर वहाँ से फरार हो गए। लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने मावा जब्त कर लिया है। वही अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि ये करीब 230 किलो मावा है, जो भरतपुर में बाजारों में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने मावा तस्करों को काफी तलाशने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तब खाद्य विभाग की टीम ने अतर बंद पर गणेश जी के मंदिर के पीछे बने पोखर में मावा को नष्ट किया। तो खबर में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।